देखिए बेटा, आप चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली जो चैप्टर है बेटा आपका फर्स्ट टर्म यानी कि हाफ ईयरली के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल। क्योंकि बेटा ये लगा लो आप, एक होता है 99% कि एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बेटा आपको 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ईडी का एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। अब सबसे पहले हमें समझना है कि बेटा टॉपिक क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं किसको है। इसके लिए हम पहले समझते हैं कि वी नो दैट डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय का मतलब है कि हमें नॉर्मली हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी चीज की डिमांड है यानी हम मांगते हैं वो किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट डालती है, यानी किससे उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे कि सबसे पहले है बेटा प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी का मतलब सिंपल सा रूल था इसका कि अगर किसी भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज अगर महंगी होगी तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, कम खरीदेंगे। और अगर कोई चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है जी। दूसरा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। ये मैंने आपको क्या समझाया था, देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, ठीक है, कि अगर हमारी बेटा इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा खरीदूंगा, और अगर मैं कम कमाऊंगा तो क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कम खरीदूंगा। तो बेसिकली नॉर्मल गुड्स के केस के अंदर इनकम और डिमांड का कौन सा लिंक होता है बच्चे, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे ये समझ लेते हैं बच्चे हम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो गुड जो कि आपस में एक साथ मिलके ही हमारे काम आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले हम, अगर फोन कार्ड के, अगर फोन है तो फोन का अगर चार्जर नहीं है तो भी बेकार है ना भाई। फोन है चार्जर नहीं है तो फोन चलेगा ही नहीं आपका। पेयर ऑफ शूज हो गया आपका, कि भाई जूते की जो जोड़ी है एक पैर नहीं है उसका तो क्या हो गया, वो खराब। सुई धागा हो गया, गैस स्टोव हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये सब क्या है बेटा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं, जो आपस में एक साथ मिलकर हमारे नीड्स को क्या करते हैं बेटा, फुलफिल करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे चाय की जगह आप कॉफी ले सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने इन चीजों के, अब एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं, एक एक करके समझते हैं बेटा। देखो बेटा यहाँ कहता है डिमांड ओनली टेल्स द डायरेक्शन। डिमांड हमें सिर्फ क्या बताती है, किसी चीज के डायरेक्शन के बारे में। मतलब एग्जाम्पल, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। ये क्या बता रही है कि अगर कीमत कम होगी, क्या लिखता है, इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइज, यानी कि प्राइस अगर कम होंगे तो मांग क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। बट डज नॉट टेल्स द डिग्री, लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि एक्चुअल के अंदर कितना चेंज आया है। समझो इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चे, मैं आपको कह रहा हूं कि किसी चीज के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या किसी चीज के प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ये कभी पूछा आपने आज तक कि सर कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, ये कैसे निकालेंगे, यानी डिग्री ऑफ चेंज कैसे निकाला जाएगा डिमांड के केस में। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है मेरा, कि कितना चेंज आया हमारी डिमांड में, उसको नंबर्स की फॉर्म में कैसे निकाला जाएगा। उसी के लिए चैप्टर बना है बेटा हमारा, क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर की हेल्प से हम निकालेंगे कि एक्चुअल के अंदर कितना चेंज आया डिमांड के अंदर। देखिए एग्जांपल, सपोज एट अ प्राइस ऑफ 12 कंज्यूमर बाय 60 आइसक्रीम्स। जब किसी चीज के प्राइस 12 रुपए थे आइसक्रीम के मान लो, तो वो कितनी आइसक्रीम खरीद रहा था बेटा, 60। अब बहुत ध्यान से समझना, वो एक टेबल बनाता है यहाँ की प्राइस और क्वांटिटी। मान लो जब 12 रुपए प्राइस थे तो वो 60 यूनिट खरीद रहा था बेटा। अब मान लो प्राइस कितने हो गए, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि सर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि सर प्राइस कम हो गए ना तो आइसक्रीम ज्यादा खरीदेगा। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बेटा कितनी ज्यादा खरीदेगा, पहले वो 60 खरीद रहा था, अब मेरे को एक्चुअल में बताओ वो 50 खरीदेगा, 60 खरीदेगा, 70 खरीदेगा, 80 खरीदेगा, तो आप वो मेरे को नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डिग्री ऑफ कैलकुलेशन अभी इलास्टिसिटी की नहीं आता। तो अब इसी को फाइंड आउट करने के लिए देखो लिखा ना डिमांड में रेंज, हो सकता है वो 66 खरीदे, 72 खरीदे, 80 खरीदे, 60 खरीदे, लेकिन कितनी खरीदेगा उसको निकालने के लिए क्या होगा बेटा, हम यूज करेंगे किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। देखिए कैसे यूज होगा बच्चे उसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझिए अब क्या है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड्स ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। यानी बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है हमें, ये बताती है कि अगर
प्राइस चेंज होते हैं, किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होता है, तो हमारी डिमांड में कितना चेंज आया, यानी हमारी डिमांड कितनी बढ़ी या हमारी डिमांड कितनी कम हुई, नंबर्स की फॉर्म में बताएगी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। अब काइंड ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है बेटा, इसके तीन मेथड्स हैं जब हम करेंगे क्वेश्चंस को। पहला है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा है बेटा हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। अभी एक एक करके हम मेथड समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा हम किसके ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। प्राइस इलास्टिसिटी नाम से पता चल रहा है बेटा, शो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। यानी प्राइस इलास्टिसिटी मेथड हमें यह बताएगा कि अगर किसी चीज के प्राइस चेंज हुए हैं तो उसकी प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आया। इनकम इलास्टिसिटी क्या दिखाएगा, शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम, क्योंकि इसका नाम क्या है बेटा, इनकम इलास्टिसिटी। तो ये किस चीज को शो करेगा बच्चे हमारी, इनकम में चेंज को शो करेगा कि इनकम में चेंज आने से मेरी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तीसरा क्या है बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज हो रहा है बेटा, शो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स मैंने अभी आपको क्या बताए थे बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स बताए थे ना, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स का। भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टी और कॉफी, टी और, अब यहाँ पे इसे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्यों बोला जाता है ये समझते हैं हम पहले। क्यों बेटा, क्योंकि अगर चाय पत्ती महंगी होती है, अगर चाय पत्ती क्या हो जाती है, चाय महंगी हो जाती है, तो लोग डिमांड किसकी ज्यादा कर देंगे, कॉफी की। और अगर चाय सस्ती हो जाएगी तो लोग चाय की डिमांड ज्यादा कर देंगे और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या दिखा रही है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसे दिखा रही है कि प्राइस तो हो रहा है चेंज किसका, चाय का, लेकिन डिमांड पे किसकी इफेक्ट पड़ रहा है, कॉफी की। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, कि एक के प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड किसकी चेंज होगी, दूसरे की चेंज होती है जाके, ठीक है। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नोट इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉट इन द सिलेबस, ये पहले यूज होते थे अब आते नहीं है। अब आपने क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है बच्चे हमें, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, बेटा देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम किसे कहा गया है। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना वही लॉ ऑफ डिमांड है। क्या, कि जब भी किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी बच्चे, कम, और जब भी किसी चीज के प्राइस घटेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। नेगेटिव लिंक बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या लिखा है, से दैट इफ द प्राइस राइजेज डिमांड फॉल्स, एंड इफ प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेज। वो ये जो टेबल बनाया है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा, इनवर्स या नेगेटिव लिंक होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना बेटा, सपोज वही एग्जांपल है जो सेम अभी हमने किया था कि 12 रुपए पे कोक आती है तो मैं उसकी 60 बोतल खरीद रहा हूं मान लो, तो अगर प्राइस 9 हो जाते हैं तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा, श्योरली डिमांड विल राइज। ये तो मेरे को पता है कि भैया प्राइस कम हुए हैं तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि बढ़ेगी, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितनी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं बेटा, कि एक्चुअल में प्राइस कम होने से डिमांड कितनी बढ़ेगी, श्योरली डिमांड विल राइज बट हाउ मच, कितनी, इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, when the fall in the price consumer में, या तो उतना ही खरीदेगा, इस एंड का मतलब क्या है, वो उतना ही खरीद रहा जितना था, या वो क्या कर देगा, या वो क्या करेगा बेटा, देखो यहां पे क्या है, उतना ही लेगा, यहां पे कम कर देगा, यहां आपका मतलब क्या है, कम, ये इक्वल, यहां पे क्या है, क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई प्राइस कम हुआ है तो मेरे को ज्यादा लेना है कम लेना है, वो डिपेंड करता है। अब यहां पे देखो केसेस क्या है, बहुत ध्यान से समझना इन केसेस को बेटा। प्राइस थे बेटा 12, तो मैं क्वांटिटी 60 60 60 60, चारों केसों में मैंने कितनी खरीदी है बेटा, 60 खरीदी है। अब प्राइस कम हो गए, तो प्राइस कम होते ही मेरे को क्या पता है, ध्यान से सुनना बच्चे यहां पे मैं क्या कह रहा हूं आपको, प्राइस कम होते ही मेरे को क्या पता है कि डिमांड बढ़ेगी। अब मेरे को यह समझना था कि प्राइस कम कितने हुए, भाई पहले कितने थे बेटा 12, पहले कितने थे ये, ठीक है,
12 से कितने होगा ये 9, तो कितने का चेंज आया, तो ऊपर कितना आ गया इनटू में 100। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज निकालूं तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ बेटा हमारा 25%। यानी अगर प्राइस 12 से 9 हो गए तो कितने परसेंट चेंज हुआ बेटा यहाँ पे 25%। ये सबको क्लियर है 25%, ठीक है। 25% क्या हुआ बच्चे, प्राइस कम हुए हैं। तो अगर डिमांड कितनी होती है बेटा यहाँ पे 60 से कितनी हो गई 75, 60 से कितनी हो गई है, कैसे निकालेंगे देखो, इसकी भी परसेंटेज निकालते हैं इस वाले की, ध्यान से देखना भाई। पहले कितनी थी 60, 60 से कितनी हुई है 75, कितना चेंज आया बेटा 15 का इनटू में 100, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ये भी कितना हो गया, तो यानी प्राइस कितने से कम हुआ था 25 से, तो डिमांड भी कितने से बढ़ी 25 से। तो आपको मैंने अभी पहली कंडीशन क्या बताई थी बेटा, इक्वल, यानी कि जितना प्राइस चेंज हुआ है उतना ही किसमें चेंज आएगा हमारा, डिमांड में चेंज आएगा। तो ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे सेम रिस्पॉन्ड। सेम रिस्पॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि जितने प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारी किसमें चेंज आ रहा है बेटा, एग्जैक्टली डिमांड में भी चेंज आ रहा है। क्लियर है ये पॉइंट, क्योंकि अगले नहीं क्लियर होंगे बेटा जब तक ये नहीं क्लियर होगा। क्लियर है बच्चे सबको। अब अगले में क्या हुआ बेटा, कितना चेंज हुआ 60 से 90, तो आप अगेन क्या निकाल लोगे परसेंटेज, तो उसकी परसेंटेज कितनी आएगी बेटा 50%। प्राइस कितने चेंज हुए 25, डिमांड कितनी चेंज हो गई 50%। यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, ये वाली कि जितना प्राइस चेंज हुआ है उससे ज्यादा क्या चेंज हुई है बेटा, हमारी डिमांड चेंज हुई है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, ये कितना हुआ 60 से 66, कितना परसेंट इंक्रीज आया 10%। डिमांड कितनी चेंज हुई थी 25%, ये कितना चेंज हुआ बेटा सिर्फ 10%। ये कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है हमारी, भाई देखो सीधा सा लॉजिक है, प्राइस चेंज होंगे ना तो बेटा तीन कंडीशन तो सिंपल है, या तो जितना प्राइस चेंज हुआ है उतनी डिमांड चेंज होगी, जितना प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा डिमांड चेंज होगी, जितना प्राइस चेंज हुआ उससे कम डिमांड चेंज होगी। ये तो तीनों सिचुएशन है। लास्ट वन सिचुएशन क्या है वो समझते हैं बेटा, कि 60 से 60, यानी बेसिकली इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा मैं, नो चेंज, यानी प्राइस तो चेंज हुए लेकिन डिमांड में कोई चेंज, तो ये कौन सी हो गई, क्वेश्चनिंग वाली क्वेश्चन हो गई कि प्राइस चेंज हो रहे हैं लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन हमारे सामने आती है बच्चे इसके अंदर। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, कहता है मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर एज अ कांस्टेंट। ये क्या करता है बेटा कि हमारे प्राइस में चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज किया जाता है।